हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना प्याज लहसुन और बहुत ही कम तेल में चटपटा और टेस्टी नाश्ता। और यकीन मानिए, सब्जियों से तो ये भरपूर है और बहुत ही झटपट ये बन जाता है। नमस्कार, पारुल मानुशाली की चैनल में आपका स्वागत है। रोज नई वीडियो के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट करना तो बनता ही। हमने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया। तेल गरम होते ही हमने यहाँ पर 1 चम्मच अदरक की पेस्ट ले लिए और अदरक की पेस्ट को हम थोड़ा सा भुनने के बाद 1 चम्मच के जितना हरी मिर्च की पेस्ट को भी ले लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। और यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी बारीक कटा हुआ ऑरेंज गाजर। आपके पास जो भी सब्जियाँ हो, आप जो भी सब्जियाँ पसंद करते हो इसमें ले सकते हो। और अब हम ले लेंगे 1 कटोरी भर के कद्दूकस किया हुआ बीट रूट। और यहाँ पर हमने लिया है बारीक कटा हुआ बीन्स। अब इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। इस सारी सामग्री को हम अच्छे से भूनते जाएंगे। और 1 कटोरी हमने लिया है ग्रीन वाले कैप्सिकम। आपके पास अगर रेड या येलो है तो आप वो भी ले सकते हो। यहाँ पे हमारा ये मसाला तो तैयार है, तो हम इसके लिए और फ्लेवरफुल मसाला बनाएंगे, जिसके लिए 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर तेल गरम किया है। 20 से 25 नंग हमने काले मिर्च के लिए, 2 चम्मच हमने यहाँ पर साबुत धनिया लिया, 1 चम्मच सौंफ लिए और 1 चम्मच हमने यहाँ पर अजवाइन लिया है। अब ये सारी सामग्री को हम अच्छे से भून लेंगे। और 1 चम्मच हमने यहाँ पर जीरा ले लिया है। अब ये सारी सामग्री को हम अच्छे से भून लेंगे। इसके साथ हमने भूनने के बाद 20 से 25 नंग जो है मिंट लीव्स ले लिए हैं और साथ में 1 मुट्ठी भर आ जाए उतना हरा धनिया भी हमने इसके लिए सेक कर ले लिया है। अब ठंडा होने के बाद हमने इसे अच्छे से फाइन पाउडर बना लिया है। अब जो हमने पहले से सब्जियों वाला मसाला तैयार किया है उसके अंदर हमने जो ये अब मसाला तैयार किया है वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में 1 चम्मच हम आमचूर पाउडर भी ले लेंगे और स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। ये सारी सामग्री हमने ये जो हमारी सब्जियां है थोड़ी सी ठंडी हो गई उसके बाद लिया है। आप आमचूर के बदले में लेमन जूस भी ले सकते हो। अब फिर से हम ले लेंगे बारीक कटा हरा धनिया 1 कटोरी। इसमें हरे धनिया का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ में मैंने यहाँ पर 4 से 5 मीडियम साइज के आलू को उबाल कर भी ले लिया है। मानिए कि सारी सब्जियाँ मिलाकर हमारे पास 1/2 किलो थी, तो हमने 1/2 किलो के जितना आलू ले लिया है। अब थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर भी ले लेंगे और नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और नमक ऐड कर दिया है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी ले लिया है। सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर ये हमारे यहाँ मिश्रण तैयार है, तो इसके लिए अब हम बनाएंगे 1 कटोरी भर के हमने यहाँ पर सूजी लिया है। सूजी को हमने थोड़ा सा मिक्सर में चला लिया है और साथ में हमने 2 चम्मच यहाँ पर गेहूं का आटा लिया, जिससे हम नॉर्मल रोटियां बनाते हैं वही। और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ले लेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर 2 चम्मच मैदा भी ऐड कर सकते हो। और म्योन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है देसी घी। 2 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पर देसी घी का लिया है। आप चाहे तो तेल का भी उपयोग कर सकते हो, पर ये नाश्ता जो है घी की वजह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और सूजी आपके पास बारीक हो या मोटी हो तो आप एक बार मिक्सर में चला लेंगे तो उसके बाद इसका रिजल्ट बेस्ट मिलता है। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हमने इसका अच्छा सा मुलायम आटा बना लिया, ना ज़्यादा सख्त लेना है क्योंकि इसको हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। और 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के बाद मैंने इसका एक गोला बनाकर ले लिया है। अब ये गोले का हम चकले के ऊपर एकदम पतली सी रोटी की तरह बेल लेंगे। आप देख सकते हो कि हमने इसको पतली रोटी की तरह बेल लिया, जिससे हमारी उंगलियां भी दिख रही, इतना पतला हमने इसको बेल लिया है। और जो हमने यहाँ पर सब्जियों से भरपूर ये मसाला तैयार किया है वो हमारी ये सूजी वाली रोटी के ऊपर रखते जाएंगे। और सूजी जो है खाने में बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो अब हम इसको इस तरह से आप देख सकते हो कि मैं अपनी तरफ घुमाते हुए रोल करते जा रही हूँ। और सब्जी तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा हमने इसके अंदर भरी है। अब इसमें से हम छोटे छोटे ऐसे राउंड कट करेंगे। आप देख सकते हो कि अच्छे से हमने इसके राउंड कट कर लिए हैं। और अब हमें ना इसको हाथों से ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगे। और बीच में आप देख सकते हो कि पतला लेयर हमारी ये सूजी का भी दिख रहा है। और एक बाजू कढ़ाई में मैंने 2 छोटे चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और अब ये हमारे नाश्ते को धीमी आँच पर एकदम प्यारा सुनहरी कलर आने तक सेक लेंगे। आप चाहे तो इसे तल भी सकते हो, पर मैं यहाँ पर इसे डायरेक्ट सेलो फ्राई ही कर रही हूँ। और आप चाहे तो इसे ढक कर भी सेक सकते हो। यहाँ पर इसे सेकने के लिए 5 से 6 मिनट तक लग चुकी है मुझे, क्योंकि सूजी जो है उसे हमने तला नहीं है, तो भाई इसको बिना तेल के हम बना रहे हैं, मतलब कि कम तेल में, तो इतना समय तो लगेगा ही। तो तैयार है हमारा ये सब्जियों से भरपूर सूजी वाला नाश्ता। और उसके ऊपर मैंने 1-1 ड्रॉप जो है
चटनी और एक ड्रॉप जो है मैंने दही का रख दिया है। आप इसे हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हो।